हाय गाइस, हम टीचर्स टीम है। मैं हूं सरिमा, मेरे साथ है मैं है मैं कम लोग क्या लिख रहे हैं? कॉमेडी नाइट्स नहीं, कॉमिकल नाइट्स है। कॉमेडी नाइट्स नहीं है, वैसे कपिल है ना, तब कॉमेडी नजर आता है। हाँ, सही बोली है वैसे, क्योंकि वो खुद एक इतना कॉमेडी कर देना माइंड में सबके ना, कॉमेडी ही रह जाता है। सो कॉमिकल नाइट विद आयुष्मान वानी, अनसेंसर्ड है ये कपिल शर्मा का शो, और अनसेंसर्ड चीजों में बड़ी मजा आती है। उसमें तो बहुत जोक्स होते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं और बहुत सारी चीजें होती है, समझ रहे हो ना। उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। और वैसे बड़ा मजा आने वाला है, कपिल का शो होता है ना। देखिए, हंसी लोगों के चेहरे पे लानी है, मुस्कान लानी है, उसके लिए जी जान लगानी है ऑफ कोर्स, और बस मेरी एक ही जनानी है। इसी के साथ ही आपको मिलता है ये पिस्ता से भरा हुआ। पाजी, मैं अपनी बेस्ती पिस्ता चला जा रहा हूँ यहाँ पे। पाजी, एक बात बताओ, ये फिल्म जब आपने करी, लॉकडाउन खुल रहा था, लग रहा था ये वो, और फिर लॉकडाउन में काफी देर तक घर में बंद भी रहे हम सब, क्या फीलिंग थी आपकी जब आप इतने लंबे अरसे के बाद सेट पे गए? एज एन एक्टर ना, आपका मन करता है कि हमेशा सेट पे रहो, शूट करते रहो, खुश रहो, एंड आई एम हैप्पीएस्ट ऑन माई सेट। और हुआ ये कि एक साल बाद जब वैनिटी वैन में जब एडी आके बोला कि आपका शॉट रेडी है, आई गॉट रियली इमोशनल। मतलब लग रहा था कि दुनिया रुक गई है एक्चुअली, वो टाइम ऐसा था। और आई थिंक थैंक्स टू गट्टू सर, प्रज्ञा, कि उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया कि हमने एक बायो बबल बनाया और फिल्म चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दी। वहाँ पे सिर्फ 8 केसेस होते थे उस टाइम पे। अच्छा, पहले चंडीगढ़ में नहीं था? पहले वो दिल्ली में थी, फिर बाद में हमने चंडीगढ़ में शिफ्ट की बिकॉज इट वॉज मोर फीजिबल, और वहाँ पे पूरी फिल्म शूट की। अच्छा, तो बेसिकली टाइटल जब चंडीगढ़ शिफ्ट किया फिर आपने टाइटल चेंज किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाओ, तो ये फिल्म अगर दिल्ली में शूट की होती तो इसका नाम दिल्ली करे आशिकी होता? नहीं, तब कुछ और नाम होता, पता नहीं। और आपका तो अपना घर भी है भाई चंडीगढ़ में, बड़ा मजा आया होगा आपको। जी ऑफ कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा बायो बबल था तो मैं दूर से मिलता था। मतलब वहाँ पे लॉन में जाता था, 6 feet distance, ये वो, we were following all the protocols. तो अच्छा, कई लोग तो इसको गलत भी लेते रहते हैं कि आयुष्मान बड़ा हीरो बन गया, हुन मिलता ही नहीं। अभी आपने तो गुस्सा कर देते, इमोशनल लोग है ना हमारे। चंडीगढ़ तो घर था, सारे मिलना चाहते थे। मैंने कहा भाई कोरोना चल रहा है, प्लीज जरा दूर रहिए, तो उनको वो रिक्वेस्ट करके समझाना पड़ा। अभिषेक सर के बारे में हमने सुना है, इनको परफेक्ट शॉट ना मिले तो रीटेक करते रहते हैं, तो जब आप खुद प्रोड्यूसर होते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं कि दूसरे के खर्चे पे करते हैं? सर, मेरी धर्मपत्नी है वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है जी, तो इस बार ही मुझे मौका नहीं मिला दोबारा करने का, इस बार मैंने काम किया। अच्छा जी, क्योंकि घर पे जाके मुझे सूटियाँ पड़ती हैं। मेरा एक आपसे ये सवाल है प्रज्ञा, कि अभिषेक भाई खुद बड़े हैंडसम हैं, इनको आप कास्ट क्यों नहीं करते किसी फिल्म में? प्रोड्यूसर हैं आप? ज़रूर करूँगी एक दिन, बिल्कुल करूँगी, बहुत हैंडसम, शर्मा भी रहे हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई, जब आप ऐसे रोमांटिक सीन कर रहे हो, हाँ जी, तो 1-2-3 रीटेक हो जाएं, तो आपको टेंशन नहीं होती कि डायरेक्टर कहीं ये ना समझे कि मैं जानबूझ के एंजॉय कर रहा हूँ? ऐसे मन में ख्याल आते हैं? जो डायरेक्टर बोलते हो वो कर दिया एक्चुअली। अच्छा, हाँ, कुछ इनपुट हमारा नहीं था कुछ। देख लो, जो नहीं मांगता उसको मिलता है बिन मांगे। फिल्म के हिसाब से हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपका दिल करे जवाब देने को तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है, ड्राई फ्रूट भी है, वैसे वाला फ्रूट भी है, हम खा के बातें करके एंजॉय कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की चंडीगढ़ में, वैसे तो चंडीगढ़ में बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं, पर जो आसपास शूटिंग देखने वाले आते हैं, कभी आपने देखा ना कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से आया और आपको देख के ऐसे कर रहा हो, वाणी कपूर आई है? What a beautiful photo. It's like rad. आपको किसने बताया ये? जब आप पढ़े लिखे होते हैं ना तो आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं होती, खुद पढ़ो। तो पढ़ लिख के जब काम अनपढ़ों के साथ ही करना क्या फायदा? हेलो, तुझसे काम करवा रही हूँ ना, देखो कितनी पढ़ी लिखी हूँ मैं। अच्छे वाले सारे ब्लर कर दिए। Only happy comments, खुश वाले। पैर सोफा पे रखे हुई हो, मेरी मम्मी नहीं रखने देती। तेरे पैर तो बाई फर्श पे भी रखने देती। अच्छा। ये हीरोइन है, इनके पैर मुलायम होते हैं।
और दिखाइए, पहले लोग सड़क के बीच में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे झाड़ी की तरफ खिसकते हैं। पर्सनल अनुभव, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और आदमी सोच में पड़ जाए पहले कौन जाएगा। और दिखाइए, बधाई हो आयुष्मान, आपको आज जंगल का अनुभव मिला है। पहली फिल्म में देखा आपकी जो पड़ोस वाली बीजी रहती है, हाँ जी, नीचे आवाज ही आती है, हम देखी नहीं, हाँ जी, वो आपको गालियां देती रहती, हाँ, कीड़े पड़े, ये हो जाए वो हो जाए। रियल लाइफ में कभी किसी पड़ोसी से एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ कि आपका कुत्ता हमारी अखबार चबा गया है? पता क्या होता भाजी, देखो हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, हाँ, बचपन में हर एक लोकेलिटी में एक आंटी ऐसी होती है, अंकल ऐसे होते हैं जो ना बोलते हैं यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना, बॉल मैं दूंगा ही नहीं, बॉल भी रख लेते हैं, हाँ, कि अगर बॉल यहाँ पे हमारे घर पे आई मिलेगी नहीं। और होता ये होता था कि जब वहाँ पे शॉट लगता तो शॉट वहीं लगता था, हाँ, शीशा उनका टूटता था, सारे भाग ले जाते थे और लड़ाई होती थी कौन बॉल लेने जाए, हाँ, उसको चपेड़े पड़ती थी अंकल या आंटी से। तो ये दस्तूर है हमारे देश का। तो ये जो अंकल आंटियां होते हैं जो बच्चों की बॉल रख लेते हैं, ऐसे करके देते हैं, नहीं दूंगा, जाओ लेके आओ अपनी माँ, वो ऐसा ना करें, बच्चे हैं उनको खेलने दे, उनका जीवन है उनको इंजॉय करने दे। सोशल मैसेज भी देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी आपके एक्टर दोस्त आए हों, म्यूजिक चल रहा हो घर पे और बगल वालों ने बोला हो, फ्लैट वालों ने ऊपर या नीचे वालों ने, कि बड़ी पार्टियां हो रही हैं आपके, कोई होता है ऐसे पड़ोसी? होता है, मगर दोस्तों को देख के वो भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, पड़ोसी है? मेरे घर पे एक्चुअली कोई नहीं आया मना करने। लड़कियों के पड़ोसी नहीं जाना आ जाता है? अरे चलाओ मैडम, अच्छे गाने बजाते हैं आप। नहीं मतलब ऐसे ऊपर नीचे वाले पड़ोसी कभी बोलते नहीं, कभी बर्थडे पार्टी हो गया ऐसे ही? मैं इतनी पार्टीज करती नहीं हूँ। He was looking for an invitation. You said party continue. वो भी नहीं करते पार्टी। आपने देखा मुझे पार्टी में जाते हो कभी? पानी बुलाएगी तो नहीं जाएगा? अरे अरे सही बोल रही हैं। My mom once made me sing a song for her birthday, and she पूरा दिन मुझे गाड़ी में लेके घुमाती थी और वो गाना सिखाया, and I मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था गाना गाने में, and then she gave me a mic. It was a big party with like hundreds of people, and then she's like, "Oh my God, I didn't even know ki ye surprise throw kiya hai, and she's gonna sing for me." And all that while, I was just hoping light chali jaye, mic band ho jaye, kuch ho jaye, mujhe gaana na pade. But then she, so yeah, I've done all of that. Wow, aadhi baatein mujhe samajh mein nahi aayi, par ab bolti hui bhi dekh sakte hain. सब पेरेंट्स यही करते हैं। ये बचपन में पापा कराते थे मेरे से। हाँ क्या? Really? हर बर्थडे पार्टी पे क्या क्या डांस कर। हर माँ बाप को अपने बच्चे बड़े टैलेंटेड लगते हैं। मेरी माँ कहती थी बचपन में अच्छा डांस करता है, आप खुद बताओ। माँ है ना, माँ का प्यार है। माइक ना दो, मम्मी भी तैयार है अभी फुटेज लेने के लिए। इस बात पे क्या मतलब? हम तो कपिल की बेटी बहुत डांस कर दिया। अच्छा मम्मी ने आगे पूरा पूरा माहौल बना के बैठे होते चादर चुदर लगा के, मतलब पूरा ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। शुक्र करो कि तो मूंगफली खाने शुरू कर देना। अरे यार मूंगफली। ओह मैंने देखा कई रिश्तेदारों के घर जाओ ना, था ये मेरा बेबी इस गाने बड़ा अच्छा डांस करता है, वो बच्चा करेगा ही नहीं। करो बेटा करो, गलत स्टेप। अरे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है। हाँ मम्मी सही बात है, अगर आपको अपना अच्छा लग रहा है दुनिया को तो लगेगा। मेरे तो सभी अच्छे लगते हैं बेटा। लव यू मम्मी। I love you, baby. So sweet. आयुष्मान बाजी, देखो आप इतने सालों से हमारे शो पे आ रहे हो, आपको पता ही है, अफवाहें बड़ी उड़ती हैं सेलेब्स के बारे में। हम नहीं मानते, हम सामने से बैठ के पूछते हैं। बाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जब भी राइटर से फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते हो तो आप पॉपकॉर्न वगैरह साथ में लेके बैठते हो, और अफवाह ये कि अगर आपको स्टोरी नहीं पसंद आती तो टॉर्च भी आपके पास होती है और आप ऐसे दिखाते हो और बोलते हो कि इधर से एग्जिट। अभी पहली वाली अफवाह बिल्कुल करेक्ट है कि मैं नरेशन लेता हूँ तो मैं पॉपकॉर्न और कोला सब कुछ साथ में रखता हूँ ताकि अच्छा। मेरे को फीलिंग आए कि मैं फिल्म देख रहा हूँ। वेरी यूनिक यार। आयुष्मान अफवाह है कि जब कोई प्रोड्यूसर आपके पास आता है फिल्म लेके तो वो स्क्रिप्ट नहीं अखबार लेकर आता है और आपको कहता है कि इस मुद्दे पर फिल्म करेंगे। ये आइडिया अच्छा है वैसे। अच्छा आपने बहुत बड़ी सीरियस फिल्म करी थी जिसमें आप पुलिस आर्टिकल ऑफिसर बने थे, बहुत कमाल का काम किया था आपने। थैंक यू पाजी। मानी आपके बारे में ये फायदा कि आपको बचपन में लोरी सुन के सोने की आदत थी, इसलिए आज भी आप रात को सोने से पहले म्यूजिक सुनती हैं। एक्चुअली इट्स ट्रू, मैं म्यूजिक सुनती हूँ। देखा सारी हवाएं हमारी गलत नहीं होती। वी हैव ए ह्यूज टीम ऑफ रिसर्च ऑफ वन पीपल। अभिषेक आपके बारे में फायदा कि आप बाथरूम में गाते हैं क्योंकि आपको धमकी मिली है कि खुले में कभी ना गाना।
नाच रहे हैं हाथ हो गया इन्होंने किसने दिए धमकी पड़ोसी होने क्योंकि हमारे बाथरूम की खिड़की और दूसरे की एकदम आसपास ही आयुष्मान भाई आपके बारे में ये फायदा है कि आप आउटडोर शूट पे जब जाते हो तो ना किसी लोकल फैमिली से दोस्ती कर लेते हो ताकि आपको घर का खाना मिलता रहे ये बात सच है सीरियसली हाँ चंडीगढ़ के रियासती में घर का खाना नहीं खा पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइट पे था भाजी वैसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ वैसे भी आप फिटिंग हैं पर ये जो सिक्स पैक ये वो बड़े बड़े डॉले कितना टाइम गया इसमें टोटल 5-6 महीने तो और 5-6 महीने आप काब्ज वाब्ज बंद किए थे आपने नहीं नहीं काब मैंने खाए थे कि गेन करना था आखिरी जब शूट शुरू हो गई थी तब काब्स बंद कर दिए थे अच्छा तो क्या खाते थे दिन में काब्स खाता था बट रात को काब्स नहीं खाता था बिकॉज आई हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म तो मतलब दिन में दोपहर तक काब्स खाता था ओके तो जो उठते ही दोपहर उनके लिए कोई सलाह जुटियाँ खाओ मम्मी की अभिषेक आपके बारे में एक अफवाह कि बचपन में आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेला करते थे नहीं बिल्कुल नहीं नहीं खेलते थे वुड बी सच अ कूल अफवाह अभिषेक सर के प्रकाश एक्सप्रेशन ऐसे जैसे पकड़े गए हो ना किसी और के साथ बैठे थे बीबी आ गई वाणी आपका घर दिल्ली में है जी तो अफवाह ये है कि आपने चंडीगढ़ में आशिकी इसलिए की ताकि घर वाले देख ना ले तो पिक्चर में जो करा है वो नहीं देखेंगे और मैंने जो चंडीगढ़ में आशिकी घर वाले देख ले तो हम फिर काम बंद कर दें ऐसे सवाल नहीं पूछें इनके बारे में क्या सब चीज है इस तरीके से सब तो खैर बहुत मजा आया और बहुत इंटरटेनिंग था आई थिंक इसमें कंटिन्यूस जो है ना वो लाफ ही था कंटिन्यूस हंसी रहो कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जहाँ आपको हंसी ना आई हो या इंटरटेनिंग ना हो वो और दूसरा वो उसकी मम्मी वाला जो वो चादर बिल्कुल मूवमेंट होता है ना वो वाला आई लव यू खैर मुझे बहुत मजा और वो जो कपिल का एक अपना स्टाइल है यार सवाल पूछने का वो फौरन से रैपिड जवाब देने का और मतलब उसका एक अलग ही वो चीज है कपिल है भाई मजा आती है बड़ा देखने में वो यानी हालांकि उसके उसका एक्सप्रेशन ना बिल्कुल लाइक नॉर्मल होता है जैसे डेली ये दिखाता है अपना सीरियस वाला मगर वो जिस तरीके से कमेंट पास करता है ना फॉरन बैक टू बैक वो इतना लाइक है ना हम लोगों को लाइक अच्छा लगता है सुनने में कि फॉरन से हमारी हंसी निकल जाती है हाँ मतलब जो कॉमेडी है वो उस पर सूट करती है हाँ तो वी होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा इसी के साथ और कोई वीडियोज आप हमें जरूर रिकमेंड कर सकते हैं रिएक्शन के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन तब तक के लिए हाफिज़